सो आज के शो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से जो कि आप अमेजोन से जो कि 1 लाख रुपीज पर मंथ कमा सकते हैं। और ये जो तरीका मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, ना कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जो कि किस तरीके से अमेजोन एसोसिएट अकाउंट पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और कैसे उसे जो कि शेयर करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको कुछ अलग तरीके बताऊँगा और प्रैक्टिकली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जो है कि 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आप कमा सकते हैं, 1 लाख रुपये पर मंथ कैसे कमाया जा सकता है और कैसे जो है कि दूसरे लोग कमाते हैं। कैसे अगर हम बात करें अदर यूट्यूबर्स की बात कर लें या फिर अदर ब्लॉगर्स की बात कर लें, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो अच्छी बात है, अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो भी अच्छी बात है, अगर आप जो है कि यूट्यूबर या फिर ब्लॉगर नहीं है तो भी आप इनकम कर सकते हैं। जो तरीका मैं आपको बताऊँगा उसको फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से इनकम कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपको क्या करना है। अमेजोन एसोसिएट अकाउंट पर सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है अमेजोन एसोसिएट अकाउंट या फिर अमेजोन एफिलिएट अकाउंट, ऐसा सर्च करना है। और जैसे आप उसको सर्च करते हैं वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आप सभी को मालूम है ये सारे प्रोसेस, अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपको ये आइडियाज़ होगा, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये आइडियाज़ होगा, लेकिन जो तरीका मैं आपको आगे बताने वाला हूँ बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अमेजोन एसोसिएट अकाउंट क्रिएट कर लेना है या फिर फ्लिपकार्ट एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते वक्त आप सभी को मालूम है कि हमें एक वेबसाइट या फिर भी एक ब्लॉग को वहाँ पे ऐड करना होता है। जब तक आप वेबसाइट या फिर अगर हम बात करें ब्लॉग को ऐड नहीं करते हैं तो वो अप्रूव्ड नहीं करते हैं, अमेजोन अप्रूव्ड नहीं करता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ एक यूट्यूबर हैं तो आप यूट्यूब चैनल को लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको डायरेक्टली शेयर नहीं करना है, ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है। अगर आप डायरेक्टली शेयर करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ज़्यादातर लोग यही करते हैं और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं फेसबुक पे पेज बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं, और पिंटरेस्ट पे जो है कि पोस्ट को शेयर करना शुरू कर देते हैं, जो वहाँ पे लिंक होता है अगर हम बात करें उसको पिंटरेस्ट पे शेयर करते हैं और सोचते हैं कि वहाँ से एफिलिएट मार्केटिंग हम कर लेंगे। लेकिन ये डायरेक्ट जो है एफिलिएट मार्केटिंग आप कर रहे हैं ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आप यहाँ से इनकम नहीं करेंगे, आप जो कि आपका अकाउंट नया नया अकाउंट रहेगा वो ब्लॉक कर दिया जाएगा अमेजोन की तरफ से। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको अगर हम बात करें तो कुछ अलग तरीका यूज़ करना है, कुछ अलग स्ट्रेटेजी यूज़ करना है जो कि सभी लोग करते हैं और जो एडवांस ब्लॉगर है वो भी करते हैं। तो सिंपल सा तरीका है आपको क्या करना है, अपनी एक वेबसाइट या फिर एक ब्लॉग बनानी है। सबसे पहले आप एक अपना वेबसाइट बना सकते हैं, एक ब्लॉग बना सकते हैं, और उस वेबसाइट पर अगर हम बात करें तो उस वेबसाइट को ऐसा डिज़ाइन करना, अगर आप जो है कि फ्री में वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो blogger.com पे जा सकते हैं और एक डोमेन परचेस करना पड़ेगा आपको, डोमेन आप ले सकते हैं। अदरवाइज जो ब्लॉग स्पॉट के डोमेन्स के साथ में भी जा सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्री में आपका blogger.com पे आपका एक वेबसाइट बन जाता है, एक ब्लॉग बन जाता है। उसके बाद आप चाहें तो जो है कि यहाँ पे वर्डप्रेस पे भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। वर्डप्रेस पे आपको मालूम है कि बहुत सारे प्लगइन्स मिलते हैं, बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी अगर हम बात करें एफिलिएट मार्केटिंग करने में या फिर जो है कि एक ई कॉमर्स की वेबसाइट डिज़ाइन करने में, बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है वर्डप्रेस। लेकिन वो पेड है, आपको पैसे देने पड़ते हैं जिसके बाद ही आप ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो आप blogger.com पे या फिर जो कि वर्डप्रेस पे जिस पे आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर आप अपना जो है कि वहाँ पे वेबसाइट बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। वेबसाइट कैसे बनाना है अगर आपको नहीं आइडिया है तो मेरे बाकी सारे वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपको आइडियाज़ लग जाएगा। फ्री में आप वेबसाइट अपना एक बना सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूँ जैसे वेबसाइट बना लेते हैं आप वर्डप्रेस पे या फिर ब्लॉगर पे बनाते हैं तो वहाँ पे जो भी आपके अमेजोन के प्रोडक्ट हैं उसको लिस्ट करना है वहाँ पे, उसको जो है कि एक प्रॉपर तरीके से लिस्ट करना है। जैसे कि अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग हम करते हैं जो कि वेबसाइट के थ्रू, उस तरीके से आपको लिस्ट करना है। और उसको लिस्ट करने के बाद जो है कि उस जो भी आपके वेबसाइट का लिंक है, जो भी पोस्ट आप वहाँ पे डाल रहे हैं, जैसे कि अमेजोन का कोई प्रोडक्ट है टॉप 5 प्रोडक्ट ऐसा कुछ करके आप वहाँ पे जो कि एफिलिएट कर रहे हैं अपने वेबसाइट से, तो वो वेबसाइट का लिंक आपको उठाना है और उस वेबसाइट के लिंक को आप जो कि शेयर करेंगे अपने जो कि सोशल मीडिया पे, जितने भी सोशल मीडिया हैं, आप पिंटरेस्ट पे चाहें वो आप चाहें तो पिंटरेस्ट पे शेयर कर सकते हैं या फिर फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा और इजी तरीके से आप अपने अकाउंट को जो कि ऑपरेट करेंगे और जो भी इनकम बनेगी उससे आप बहुत ही बेहतरीन अगर हम बात करें तो वो इनकम जो कि जनरेट कर सकते हैं और वो आपके बैंक में भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट ब्लॉक होगा, ये सब डाउट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक नहीं होने वाला है, क्योंकि आप डायरेक्ट एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, आप इनडायरेक्ट एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं जिसकी मदद से आपकी ब्लॉग वेबसाइट पर ट्रैफिक भी जाती है। और वहाँ पे अगर एडसेंस अप्रूव करा लेते हैं अपने ब्लॉग वेबसाइट पे, आप सभी को पता है कि अगर एक वेबसाइट बनाते हैं, एक ब्लॉग बनाते हैं, उसके ऊपर एडसेंस अप्रूव्ड है तो बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छा इनकम यहाँ पे जनरेट होती है। तो अगर आप जो कि अपना एक वेबसाइट बना पाते हैं और उसके ऊपर एडसेंस अप्रूवल ले पाते हैं कुछ कंटेंट्स लिख के,
तो यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग से भी इनकम होगी और जो कि एडसेंस के माध्यम से भी आपको इनकम यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं और ये सबसे बेहतरीन तरीका है आपके अमेज़ॉन एसोसिएट अकाउंट को सेफ रखने का और सबसे बेहतरीन तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि यूज़ करते हैं। ट्रैफिक जनरेट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ट्रैफिक जनरेट कैसे कर सकते हैं। आप चाहिए तो यहाँ पे पेड ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, आप जो कि पेड ट्रैफिक ले सकते हैं अपने ब्लॉग वेबसाइट पे। आप जो है कि जो प्रोडक्ट आप जो है कि यहाँ पे जो कि वहाँ पे शेयर कर रहे हैं फेसबुक पे या फिर पिंटरेस्ट पे, उन सारे प्रोडक्टों अगर हम बात करें तो फेसबुक की मदद से या फिर जो कि गूगल एडवर्ड्स की मदद से उन्हें प्रमोट करा सकते हैं। मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट को प्रमोट कराएंगे आप प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट कराना है। और अगर प्रोडक्ट को प्रमोट कराएंगे तो अगर हम बात करें डायरेक्ट एफिलिएट मार्केटिंग में आ जाता है, तो आपको अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है जिससे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आएगी और वो प्रोडक्ट भी अगर हम बात करें उसकी सेल्स भी जनरेट होगी, जिससे आपको बहुत ही अच्छा इनकम यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा इनकम आप जनरेट कर पाएंगे। तो अगर आपको ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगता है, अगर आप जो है कि पेड ट्रैफिक से इनकम कर पाते हैं उसको कंटिन्यू करिए, अदरवाइज अगर आपको लॉस होता है थोड़ा भी लॉस होता है तो उसे जो कि वहीं पर स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको इनकम होती है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज उसे स्टॉप कर सकते हैं। ये दो तीन तरीके हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं और जेन्युइन तरीके हैं जिसके माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी के माध्यम से काम करके ऑनलाइन इनकम किया जा सकता है। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम लाइक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।